हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे शाम के 3 और कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल हमारे अपार्टमेंट में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके कारण फायर ब्रिगेड, पुलिस सारे कोई आ गए थे, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। हम लोग कैसे कैसे करके घर से बाहर निकले, मतलब शॉर्ट सर्किट सीढ़ी के पास ही हुआ था और लिफ्ट तो बंद था, लाइन कट गया। उसके बाद से बहुत डर डर के हम लोग नीचे और बाहर थे पूरा दिन, कल उसी में निकल गया तो ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैं जा रही हूँ बच्चे का कपड़ा लेने, क्योंकि आज हमारे अपार्टमेंट में एक आंटी, उनकी नतनी हुई है तो छठियार है, तो उसी में जाना है मम्मी को, तो उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। और आज दी को लेके शाम में डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। तो मैं कल वाला क्लिप थोड़ा सा ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लिया डर के कारण, क्योंकि डर बहुत लग रहा था। तो अभी चलते हैं वी मार्ट, हम जा रहे हैं वी मार्ट अपनी स्कूटी से, अकेले ही जा रहे हैं क्योंकि जीजू विवाना कार्तिक कहीं घूमने गए हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि दी का तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो प्रणीति को मैं संभाल रही थी पूरे टाइम। तो अभी शाम हुआ तो अभी निकल रहे हैं, फिर आके वापस दी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है। तो मिलते हैं आपसे वी मार्ट में पहुँच के। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ वी मार्ट में, तब तक मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, तब तक आप कल वाला क्लिप देख लो। कार्तिक, डर तो नहीं लग रहा ना, हंस रहे तुम लोग? कैसा लग रहा है? हम अगर हम चलाते हैं ना, उससे चलाते हैं। ये देखो यहाँ पे फायर ब्रिगेड है। तो शॉपिंग डन, मैंने ये गिफ्ट के लिए लिया है और ये प्रणीति के लिए, ये पीछे वाला। तो अभी चलते हैं बिलिंग करा लेते हैं। तो ये बिल्कुल बन चुका है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी डर से। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर, तो चलिए ऊपर चलते हैं। One eternity later. तो दी आ चुकी है डॉक्टर के पास, जीजू भी आ गया उसको लेके। तो मैम, कैसा फील कर रही हैं? डर लग रहा है, वो आपके चेहरा से ही पता चल रहा है। और आपको लग रहा है डर? क्या होने वाला है बताओ? छोटा सा सर्जरी होगा। ये निकाल के बोलो, सर्जरी होगा छोटा सा। अभी से ही फेस पूरा सूख गया। तो अभी हम लोग कब से वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, बहुत ज़्यादा भीड़ है और जितना लेट हो रहा उतना भी का डर देखिए। डर हो रहा है अभी इसको, देखिए इसके चेहरे को, मासूम चेहरे को। और थोड़ी गर्मी ना, तो खुद जाकर जल्दी से गर्मी। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे क्योंकि पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जैसे हम टाइम पास करते थे मछली देख के, उसी तरह ये लोग भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? तो दी चली गई, देखे इधर देखो। तो अभी हमने स्लाइस ले लिया है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो हमने ले लिया है। One hour later. तो आज भी कार्तिक पार्सल ओपन कर रहा है, तो आज देखते हैं इसे बन पाता है कि नहीं, या मम्मी का हेल्प लेते हैं। क्या इसमें कार्तिक? वॉल स्लिप्स है। हाँ, तो हम लोग इसे यहाँ पे लगाएंगे
तो देखते हैं कार्तिक अकेले कर पाता है या नहीं। कर पाओगे अकेले? कर हाँ? अरे ऊपर चढ़ जा रहे थे। कर पाओगे? हाँ कर तो देखते हैं। अरे ये येलो ऑर्डर किया था, ब्लू कैसे आ गया? तुम्हारा गलती। मेरा क्या गलती है? वो कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन किए थे, येलो किए थे, फिर भी ब्लू अच्छा लगेगा। ब्लू ज्यादा अच्छा लगे नहीं? मैचिंग मैचिंग। देखो कंपनी वाला मेरे घर के बारे में कितना सोचता है कि येलो अच्छा नहीं था इसलिए ब्लू भेज दिया। यहाँ पे आया वो देखा वो ब्लू ब्लू, वो कैसे देखेगा? दे दिया। वो सोचा होगा येलो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। कभी कभी गलती से भी अच्छा चीज आ जाता है। नहीं सही बात है, सही बात है। अरे हम ऑर्डर किए थे ना, हम भी तो कर सकते। लग रहा आज भी कार्तिक से नहीं हो पाएगा, अकेले हो जाएगा। आज मम्मी हेल्प नहीं करेगी तुम्हारा, सोच लो। ठीक। दीवार पे भी तुम्ही को लगाना होगा, वहाँ पे जाओ लगा लोगे ना? सब लोग जाएंगे। ठीक है देखते हैं, जल्दी करो अपने से करो। नहीं 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 तुम ही करो, ये सब काम तुम ही करते हो ना। सैलरी किस लिए देते हैं तुमको? हाँ एक्सचेंज भी नहीं हो सकता है, एक्सचेंज करना भी नहीं, क्योंकि उस दीवार पे ब्लू ज़्यादा अच्छा लगेगा येलो से। जाओ माफ़ किया कंपनी वालों। कुछ भी बोलता है वो भी नहीं दिया है इसको, बस ऐसे करके ज्वाइन करके लगाना पड़ता है। चुप, वो भी नहीं दिया है क्या इंस्ट्रक्शन में? इसमें इंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं, तुमको जैसे मन करे वैसे फिट कर सकते हो। गधा अपने से फिट कर। तुमको किस लिए रखे हैं, कितना बार बोलना पड़ेगा? ब्लू ज्यादा अच्छा लगेगा ना? नहीं नेहा नहीं बोल रही थी ग्रीन करने के लिए, लेकिन अच्छा हो ब्लू आ गया। पता है ये कारपेंटर आएगा तो ही लग पाएगा दीवार में। क्यों? क्योंकि वो देखो क्या दिया है उसमें, ये बिना ड्रिल मशीन का नहीं होगा। ड्रिल मशीन? हाँ दीवार में कैसे लगेगा? थोड़े से नहीं, दीवार खराब हो जाता है तो अब कारपेंटर का वेट करना होगा। लगा के तो रखे। तो कार्तिक अब मोबाइल के हेल्प से बना रहे हैं, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ था। तो आज भी कार्तिक से नहीं बनने वाला है, मम्मी का हेल्प लेना पड़ेगा कार्तिक को। ये आसान है पता? हाँ पक्का सही में? अपने से क्यों नहीं बनाना? एक बार दिमाग लगा बन जाएगा। लग गया दिमाग। अरे तुमको इसलिए देते हैं ना बनाने के लिए, दिमाग लग गया। तुम बनाते बनाते तुम्हारा तजुर्बा होगा। मेरा दिमाग लग गया। लग गया। अरे इसको यहाँ पे लगेगा, देखो ये वाले यहाँ पे, ये वाले में। ठीक नहीं, ये वाला बड़ा वाला लगेगा इसमें। देखो लगा, इसको लगा। एक देखो बिना देखे भी कर सकते हैं दिमाग। अरे यही है देख लो, ऐसे ही है। हाँ लगा उसको सीधा सीधा। तो नहीं लगता है कार्तिक से बनने वाला है, तो मम्मी को बुलाया जाए? नहीं कार्तिक हार मानने को तैयार नहीं है। तुम नीचे करो, हम बताते वैसे ही करो। मम्मी जैसे बता रही वैसे करो। आज फिर से कंफ्यूजन आ गया, बिना मम्मी के हेल्प के कार्तिक कुछ नहीं कर सकता। कर लो आप। नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, कर लो कर लो। तो गुस्सा आया हुआ कार्तिक फिर से इसे मना के ले आए। क्या हुआ नहीं बन पाया? स्क्रू का काम है, बनाओगी? नहीं तो कारपेंटर आएगा तो ही बन पाएगा। तो कोई नहीं, जब लग जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगी जरूर।